दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल ट्रैवल अचो में। आज हम खेत में आए हैं पानी लगाने का। आज पाला लगा है तो मैं, मम्मी पापा और भाई आए खेत में। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ मेरा खेत कैसा है। ये रहे भाई, वहाँ हैं मम्मी, यहाँ हैं पापा जी, वहाँ हैं, और ये है क्या कहते हो आप इसे, अपने अपने उसमें हमारे में जौत बोलते हैं, इसे किनौरी में जौत बोलते हैं। और ये है इवनिंग व्यू, सांगला वैली, बनिंग सारिंग। कल बारिश हुई थी, आजकल बीच बीच में थोड़ा थोड़ा शाम शाम को बारिश हो गई, उसकी वजह से हरियाली ही हरियाली है यहाँ हर जगह। तो लास्ट टाइम मैं नवंबर में 4 खमानी के पेड़ लेके आया था, पौधे लगाए थे मैंने। तो चलिए देखते हैं वो कितने बड़े हुए हैं या नहीं हुए। ये चुल्ली का है, एप्रिकॉट जिसे कहते हैं, उसका पेड़ है, अभी नया नया बना है ये। चलिए चलते हैं खुमानी का पेड़ देखने, पौधे देखने की बना है नहीं बना है। वहाँ नीचे तक है खेत मेरा, जहाँ पे पौड़ियाँ ख़त्म हो रही है उसके वहाँ पे, जस्ट यहाँ लगाया था मैंने खमानी का पेड़। देखते हैं पौधे बने हैं नहीं बने हैं, सेब के नए पौधे हैं ये। ओह वाह, देखिए दोनों है, मुझे लगा था मर गए होंगे, क्योंकि लास्ट टाइम मैं लेके आया था 2 पेड़ तो दोनों सूख गए थे। ये तो देखो बन गए, अभी 2 ये रहे और 2 और आगे लगाया था मैंने। चलिए आपको लेके चलता हूँ। एक ये रहा थर्ड, तीसरा ये रहा, एक और चुल्ली का पेड़, ये भी नए नए बने हैं अभी इनको बहुत टाइम लगे बनने में। और ये रहा चौथा, चौथा सबसे ज़्यादा लगा हुआ है, देखो सबसे ज़्यादा लग रहा है मुझे कि सबसे ज़्यादा लगा हुआ है ये। ये अखरोट का पेड़ है, वॉलनट, देखिए कितना शानदार है, कितना बड़ा है, कई साल लग जाते हैं इसको बड़े होने में। ये है हमारे एप्पल के पेड़, ये है रॉयल, रॉयल वाला है, और ये है नीचे गोल्डन वाला। दोनों में डिफरेंस ये है कि गोल्डन वाला जो है उसमें अलग से ही पत्ती का जो शेप है और जो कलर है थोड़ा सा अलग है, तो पता चल जाता है कि हाँ वो गोल्डन वाला है, और ये वाला है रॉयल। इसमें सेब भी ठीक ठीक लग रहा है, देखो देखिए अभी तो बन ही रहे हैं ये। अगर ऐसे ही रहा तो ठीक है, अच्छा है, 2-3 दिन रहे तो ठीक है, जितना अगर इसमें जितना ज़्यादा आए ना तो फिर सही नहीं होता, साइज़ छोटा रह जाता है तो फिर उस हिसाब से रेट भी हमें बहुत कम मिलता है। दो दो हो और 1-2 हो और उसमें तो साइज़ अच्छा होता तो उस हिसाब से रेट भी हमें बहुत अच्छा मिलता है। चलिए आपको नीचे तक लेके चलता हूँ, खेत के आखिरी एंड से टॉप तक दिखाता हूँ कैसा लगता है व्यू। इन पौधों को भी बनने में कम से कम 10-15 साल लगते थे बड़े बनने में, अभी तो देखो ये बहुत छोटा है, इसको लगेंगे कम से कम 7-8 साल इतना बनने के लिए। यार व्यू कैसा लग रहा है, ये रहा सबसे पुराना चुल्ली का पेड़, इसी के थ्रू जो है देखिए छोटा पेड़ हुआ है अभी, वहाँ जो है वो भी मे भी क्या पता इसी का वो बीज या वो हो के वहाँ पे बना हुआ है। चलिए हम चलते हैं खेत के सबसे आखिरी एंड तक।
ये हम पहुंच गए खेत के एंड में। कितना प्यारा लग रहा है देखो। ये तो प्राइवेट लोगों के खुद के है, किसी के ना, इसमें हाफ हाफ ये वाला एरिया जो है जो घास काटते हैं, इसके साथ वाला जो है ये देवता जी का है, अंदर वाला जितना भी है ना घास ये सारा देवता जी का कटता है, बाकी बाहर वाला ये है कि भाई सबका कुछ कुछ शेयर जो है सब जमींदारों का है इसमें। ये साथ वाला खेत मेरे पड़ोसी मामा का है, ये लास्ट बात बात बोलते हैं, बात बोलते हैं किन्नौरी में तो। ये देखिए गोल्डन का पेड़, ये ऐसे होते हैं गोल्डन, थोड़े से इसके पत्ती बड़े होते हैं और थोड़ा अलग होता है इसका कलर ना, और ये राजा साथ में रॉयल, मेन साथ में लगाने का ये है कि भाई ये पॉलिनेटर का काम बहुत अच्छा करता है, इसीलिए जो है गोल्डन, जब भी आप जैसे देखोगे आप चार पांच आपके रॉयल होंगे तो साथ में एक गोल्डन का पेड़ लगाया जाता है एज ए पॉलिनेटर के लिए, बहुत अच्छा पॉलिनेटर का काम करता है ये। ये सामने हुरबा, वो जहाँ हम गए थे सांगला गंडे उस साइड से, वहीं से रूपिन वाया रूपिन पास है, वहीं से उत्तराखंड के लिए भी ट्रैक है। ये देखिए अखरोट का पेड़ कितना बड़ा है, देखो कम से कम होगा ये पाँच चार या पाँच मंजिला इतना बड़ा है। चलिए चलते हैं आप ऊपर, देखते हैं मम्मी पापा और भाई क्या कर रहे हैं। अभी भी सनसेट में थोड़ा टाइम है, आजकल दिन बड़े हो गए तो ये कि सनसेट को थोड़ा टाइम लग गया। ये देखिए अभी तो दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। यहाँ से मुझे जाना है ऊपर, आज दिन को बहुत गर्मी थी लेकिन शाम के टाइम ये कि थोड़ा थोड़ा बादल आ गया तो साथ में ठंडी ठंडी हवा भी चली हुई है दिन को, लेकिन गर्मी थी आज यहाँ पे इवनिंग टाइम। ये देखो साथ में छोटा भी बन रहा है, बहुत सारे इसके अलग से बन रहा है, ये है बहुत बड़ा हुआ है, इसको भी कम से कम बनने में लग गए होंगे पाँच छः साल तो आराम से, क्योंकि इस एकदम नहीं बढ़ते, बहुत टाइम लगता है इसको ग्रोथ आने में चिचुल्ली के पेड़ को। ये तो बहुत पुराना है देखो, अब तो मे बी 100+ आराम से 100+ का है ये पेड़ अब तो, धीरे धीरे टहनियाँ भी सूख रहे इसके। और ये हम पहुंच गए वापस अपने सबसे ऊपर वाले खेत पे, आइए चलिए चलते हैं बीच से। और ये मम्मा पानी लगा रहे हैं, ही ऐसे पानी लगाया जाता है किन्नौर में, देखिए गीला गीला। ओ दादा प्यारा फोटो, वीडियो तो बहुत अच्छी आ रही है, देखिए नेचर साउंड, देखिए पानी की कितना अच्छा सा साउंड आ रहा है।
इस पे ये लोकल सेब है, इस पे कलम किया इस बार और गंदे को लग भी गया, पकड़ भी गया, कलम पकड़ गया है। इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं था तो इसलिए फिर इस बार पापा ने इसको कलम कर दिया है। छोटे छोटे बनने से बहुत लोकल सेब है ना ये। तो बेसिकली ये है जौ और इससे जो बनता है वो है सत्तू, जो हमारा सत्तू बनाते हैं वो इससे बनाते हैं। अब ऊपर ऊपर जो है घास के, घास क्या तो जौ के साइज़ है वो, मतलब छोटे अभी मतलब बड़े नहीं हुए, और नीचे नीचे है कि भाई बहुत लंबे हो गए देखो आप। तो बेसिकली ये इसलिए कि जैसे जब भी पानी पुनी आएगा तो जितना भी खाद खूद जो भी लगाया होता ना सारा नीचे को आ जाता था, उसकी वजह से जो है इनकी ग्रोथ बहुत जल्दी बहुत लंबे हो रहे हैं और ऊपर ऊपर अभी भी छोटे छोटे हैं। देखिए सनसेट का व्यू दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए ये मेरी माता जी पानी लगाते हुए। पापा हमारा पानी लगाना हो गया ख़त्म, तो अब हम जा रहे हैं घर की ओर। गाँव के गेट ऐसे होते हैं बंद करने वाले, जो मेन ऊपर वाला गेट होता है ना, मैं दिखाता हूँ आपको ऐसा होता है, ऐसा करके ये लॉक सिस्टम गाड़ी लॉक, ऐसे करके ये जो है गेट लॉक हो जाता है, ऐसे करके खुल जाता है। आज का वीडियो आपको कैसे लगा ज़रूर बताइए। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए, बाय, टेक केयर।